सो हेलो मिनमिनसे लवर्स, तो कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो मिनमिनसे क्लासिक में नया अपडेट आने वाला है, उसमें जो नया डैमेज है, वो नया डैमेज फंक्शन क्या है और डैमेज कैसे चेंज होने वाला है, कौन से गन का कितना डैमेज होने वाला है, तो उन सब के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, आपको सब कुछ अच्छे से समझाऊंगा। तो गाइस, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, एंड दोस्तों चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने को मिल जाती हैं। तो चलो दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं वीडियो में आगे बिना किसी देरी के। तो दोस्तों चलो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि गाइस, ये जो नया अपडेट आया है, इसके कुछ लीक्स हमें निकल के आए थे। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी लीक्स के ऊपर एक वीडियो बना दिया, अगर आपने नहीं देखा तो चेकआउट कर लेना कि नए अपडेट में कौन कौन से नए लीक्स आने वाले हैं। तो उसी लीक्स का एक पार्ट है हमारा डैमेज का नया फंक्शन। जी हाँ दोस्तों, अब गेम में हो क्या रहा है कि गाइस, पहले हम लोग स्नाइपर से भी खेलते थे, तो हम लोग दूर से भी किसी भी बंदे को एक गोली में मार देते थे। तो गाइस, अब ये चेंजेस होने वाले हैं। अगर आप दूर हो किसी बंदे से, अगर आपके स्नाइपर का रेंज वहाँ तक नहीं है, तो आप उसको एक गोली में नहीं मार पाओगे, वो बंदा बहुत ही कम डैमेज होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास यूजी है या फिर अगर आपके पास MP5 है, तो पहले हम लोग MP5 से दूर तक के बंदे को मार सकते थे, बट गाइस अभी भी वो मरेगा, ऐसा नहीं है कि वो नहीं मरेगा, बट वो थोड़ा लेट मरेगा, क्योंकि आपके गन का डैमेज कम हो जाएगा। और डैमेज कम क्यों होगा? क्योंकि आपकी गन की रेंज वहाँ तक नहीं है। अगर आपकी गन की रेंज बहुत कम है तो आपको डैमेज बहुत कम देखने को मिलेगा, अगर आपकी गन की रेंज ज़्यादा है तो आपको डैमेज ज़्यादा देखने को मिलेगा। वैसे ही कुछ इस ग्राफ में भी दिखाया गया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, ये अभी तक पुराने अपडेट में था, अब जो होने वाला है ये नए अपडेट में होने वाला है। तो गाइस, इसका एक ही मतलब है कि अगर आप कोई भी गेम प्ले करते हो मिनमिनसे क्लासिक में, तो आपको काफ़ी पावरफुल वेपन्स उठाने पड़ेंगे, जैसा कि MP5 हो गया, स्नाइपर हो गया, रॉकेट लॉन्चर हो गया, या डुअल यूजी, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज रहना पड़ेगा एनिमी से, ताकि आप उसको मारो तो वो जल्दी से मर जाए। क्योंकि अगर आप लॉन्ग रेंज से मारोगे तो अब लॉन्ग रेंज एनिमीज बहुत मुश्किल से मरने वाले हैं, क्योंकि डैमेज हो जाएगा कम, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। अब गाइस, तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया और इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन लोग तक ये वीडियो पहुँचे। एंड गाइस, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए, और थोड़ा सा लाइक भी कर ही देना। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ एक और नए वीडियो में कुछ नई न्यूज़ और कुछ नए लीक्स के साथ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जय हिंद, जय भारत, बाय बाय गाइज़।